नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम पना बनाना स्टार्ट करते हैं। पना बनाने के लिए आप कोई भी कच्चा आम ले सकते हैं। कोशिश करें कि जिसमें ज्यादा पल्प हो वही आम लें, नहीं तो आप कोई भी कच्चा आम का भी आप पना आसानी से बना सकते हैं। इसे कोई भी पतीला में ले लें आम को, और इसमें इतना पानी ऐड कर दें। इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। आप इसमें इतना पानी ऐड करें ताकि ये सारे आम अच्छे से डिप हो जाएं। अब गैस का फ्लेम फुल करके इसको ढककर लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये पक ना जाए। 5 से 6 मिनट में इसे बीच में चेक करके देखेंगे कि ये पका या नहीं। लगभग 5 से 6 मिनट में इसको बीच में चेक करके देखा। चेक करने के लिए आप आम को स्पून की हेल्प से ऐसे पुश करके देखें, ये अंदर तक दब नहीं रहे हैं, यानी इसका मतलब इसको अभी और पकाना होगा। अब इसे ढककर फिर से 5 से 6 मिनट तक इसको फुल करके पकाते हैं, गैस का फ्लेम फुल करके। इसे चेक करके देखा, प्लेट को हटाकर देखा, ये अच्छे से पक गए हैं। फिंगर्स की हेल्प से दबाया तो ये अच्छे से अंदर तक दब रहे हैं, यानी कि हमारे आम पककर रेडी हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के बाद सारे आम को आप प्लेट में निकाल लें। ये अच्छे से हमारे आम पककर रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सच में पने को जरूर ट्राई करें बनाकर, बहुत ही अच्छा लगता है। समर सीजन में इसे जरूर बनाकर खाएं। अब आप किसी भी गहरे बाउल में इस आम को निकाल लें, ले लें और इनका सारे आम का छिलका अलग कर लें। छिलका सारे आम का अलग करने के बाद ये देखिए स्मूथली सारे छिलके अलग हो रहे हैं, और ये इस आम में बहुत ही अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में पल्प है, ये अलग ही समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप सारे पल्प निकाल लिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें पानी ऐड करें और फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से पुश करते हुए ये पल्प निकालें। ये देखिए अलग ही पल्प दिख रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है रियली, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं इसके बाद आपके साथ आम की और भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो भी मैं किचन में प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है, एक बार उस लिंक में जाकर ज़रूर देखें। ये सारे आम का पल्प निकाल लिया है और गुठलियों को अलग कर दिया है। इसमें आप आवश्यकता अनुसार ही पानी ऐड करें, ज़्यादा इसे पतला ना करें। इस तरीके से सारा पल्प निकल कर रेडी हो चुका है। लगभग आधा कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है पल्प को निकालने के लिए। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, आवश्यकता अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। 1/2 टीस्पून नमक, नमक भी आप स्वाद अनुसार ऐड करें। 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 कप बारीक गुड़ ऐड कर दें। गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लें। गुड़ इसमें ऐड करते हैं तो पने का स्वाद ही बहुत ही स्पेशल आता है। आप यदि गुड़ नहीं खाना चाहते तो गुड़ की जगह आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ को इसमें कद्दूकस करके ऐड करते हैं तो इसे मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरीके से गुड़ ऐड कर दें। गुड़ अच्छा साफ वाला ही यूज़ करें। अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरीके से हमारा पना बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप हरी मिर्च काटकर भी ऐड कर सकते हैं या हरी धनिया को बारीक कर इसमें ऐड कर दें। ये देखिए कितना स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें और अपना विशेष ध्यान रखें।